नमस्कार, ओम शांति। डॉक्टर गिरीश पटेल का अभिवादन स्वीकार करें। जॉनी लीवर को हम सब जानते हैं कि जो अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाते हैं, परंतु उनके जीवन में अगर आप देखो तो हैदराबाद से जब उनका परिवार बंबई में आया तो धारावी की, जिसको एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी माना जाता है, सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, वहीं पर वो बड़े हुए। और वो सुनाते भी है कि कहते हैं कि बारिश में तो बस पानी पानी आता था और हम हाथ में कोई कटोरा पकड़ के उस पानी को पकड़ते थे। मैं आपको आगे सुनाऊंगा कि वो कितना अच्छी तरह से उस बात जो है उसको बताते हुए उसको एक तो ह्यूमर में कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या फायदा हुआ वो भी सुनाते हैं। उनके पिताजी यूनिलीवर में एक मजदूर के रूप में काम करते थे और सिर्फ सातवीं तक ही पढ़ पाए, क्योंकि परिवार की हालत ऐसी हो गई कि उनको रास्ते में पेन बेचनी पड़ी ताकि दो टाइम का खाना मिल पाए। और फिर अपने पिताजी के साथ उसी कंपनी में वह मजदूरी का काम करने लगे, परंतु उनके अंदर यह एक कहेंगे कि भी जन्म से ही हम सब में एक इनबॉर्न टैलेंट होती है, उनमें वो मिमिक्री करने की इनबॉर्न टैलेंट थी। तो कंपनी में जब कुछ भी प्रोग्राम होते थे, जैसे एनुअल फंक्शन होते थे और कोई फंक्शन होते थे, कोई ऑफिसर का विदाई समारोह होता था, तो वह उसकी मिमिक्री करते थे और इतनी अच्छी मिमिक्री करते थे कि वह सामने बैठे होते थे ऑफिसर, और जब भी ऐसा मौका मिलता था तो उनको बुलाया जाता था कि तुम ये मिमिक्री करो। उन्होंने खुद भी ये देखा कि भी मेरे में यह कला है, फिर उस कला को वो बढ़ाते गए और आगे चल के तो स्टेज शो करने लगे। कुछ समय तक स्टेज शो किया, काम भी किया, फिर काम छोड़ दिया और फिर फिल्मों में भी उनको मौका मिला। और ये जो मैंने शुरू की बात बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तो यह, जैसे मैंने कहा कि भी हमारे में क्या कैपेसिटी है, कौन सी कला है उसको पहचानना, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जब वहाँ वो झोपड़े में रहते थे और बारिश में पानी पकड़ना होता था तो कहते कि वो हम ऐसे 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 पकड़ते थे, और कहते कि अभी जब मैं कॉमेडी करने लगा तो मुझे काम में आया कि शायद वही एक्टिंग में करने लगा और वो एक्टिंग लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। तो ऐसे जैसे इनकी जीवन की बात है, हम सबको सीखना है कि कितनी ना बड़ी समस्या हो, कुछ भी हो जाए, परंतु मन को संतुलित रखना है। मन को संतुलित रख करके आप सोचते जाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में जो इनबॉर्न टैलेंट कहे वह इनबॉर्न टैलेंट कौन सी है, और उस क्षेत्र में फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। ओम शांति।